तो 2024 का प्लान चल रहा है, चलिए बताते हैं किसका क्या प्लान है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा संगठन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव करने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने में जुटी है, वहीं बसपा मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है। भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में दलित और पिछड़े चेहरों को मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा भी दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है और बसपा मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही मुस्लिम नेताओं पर फोकस है। भाजपा 24 में भी विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन सपा इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रणनीति में बदलाव हुआ है, वहीं बसपा काशीराम मॉडल पर काम कर रही है। भाजपा मोदी और योगी सरकार के काम को घर घर पहुंचाने पर जोर दे रही है। समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट में जो नाम उनके समर्थकों के कट गए वो न कटने पाए, इस पर फोकस कर रही है। वहीं बसपा काशीराम की तरह तरह घर घर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्लान पर काम कर रही है। तो सवाल ये है कि किसकी तैयारी भारी है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से सपा भाजपा को पीछे छोड़ पाएगी? क्या मायावती काशीराम मॉडल से कमाल कर पाएंगी, या इस बार भी भाजपा का प्लान भारी पड़ेगा? आज हम इस सवाल का जवाब लेंगे राजनीतिक दलों से। मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता सपा, आलोक अवस्थी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके से आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये भाजपा सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए अवैध मजारों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी का नमिश्चरण प्लान हमने देखा, भाजपा से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से कुछ चेहरों को मौका मिल सकता है, मतलब सियासी सरगर्मी बहुत तेजी से अब चल रही है लखनऊ में। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तापमान पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है और सियासी पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 2024 की तैयारी में अभी से जुटी नजर आ रही है। और आप यकीन मानिए 42-43 डिग्री टेम्परेचर है अभी जब हम खड़े हैं इस वक्त, और ऐसे में भी हर एक पार्टी, बीजेपी की बात करिए तो उनका तो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसभाएं भी इसी गर्मी में हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करिए तो खुद लखीमपुर में प्रशिक्षण हुआ, वहाँ भी बूथ के कार्यकर्ता पहुँचे, फिर नैमिषारण में भी कार्यकर्ता पहुँचे और आज भी पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई गई। तो जो अखिलेश यादव पर बीजेपी या अन्य लोग आरोप लगाते थे कि वो इसी में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, उस छवि से निकलने की उनकी भी कोशिश है और वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मायावती की बात आप करिए, उनके यहाँ भी भीतर भीतर पार्टी के अंदर अलग अलग जो है वो अभियान चलाए जा रहे हैं, कैसे पुराने जो काडर के लोग हैं उनको जोड़ा जाए, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आज बीएसपी सुप्रीमो जिस तरीके से हमला बोला, अब चूंकि उत्तराखंड में जिस तरह से मजारें तोड़ी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो साथ कैसे आए, ये तो हमने निकाय के चुनाव में भी देखा कि जब 17 नगर निगमों में से तकरीबन 7 या 8 जो है उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मेयर कैंडिडेट उतारे थे। तो हर एक पार्टी ने अपना फोकस बनाया हुआ है, सबको पता है कि कौन हमारे साथ आ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।